Hello everyone, good morning, my dear aspirants. This is Sabia here working as an RRBPO. As you all know, I cleared four mains last year and uh, was able to clear three of the

सबसे पहली चीज़ है जो आप बिल्ड करेंगे वो है अपना माइंडसेट आप अपना माइंडसेट सबसे पहले बिल्ड करिए कि मुझे एग्जामिनेशन क्लियर करने हैं अगर 50 वैकेंसी भी आ रही है तो 50 में से मुझे होना है आई शुड बी दैट शुड बी वन ऑफ दीस 50 ठीक है तो सबसे पहले एक माइंडसेट एक पॉजिटिव सा बिल्ड करना है आपको एंड ये चीज़ याद रखिए सिलेबस जो है ना वो पीओ के लिए डिफरेंट है ना वो क्लर्क के लिए डिफरेंट है वो सब कुछ सेम है बस ये है लेवल और टफनेस का डिफरेंस होता है प्री में स्पीड की बात होती है मेन्स में नॉलेज एक्यूरेसी एक डीपर नॉलेज और बेसिकली आपका जो बेसिक्स होता है ना वो ऑल क्लियर होना चाहिए मेन्स में ये आपका रिक्वायर्ड होता है ठीक है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो मेन्स को आप अच्छे मेन्स में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चंस आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आप को देखने को मिलेंगे लेकिन अगर आप समझ समझ के समझ समझ के एक एक स्टेप सॉल्व करते गए गए, करते तो आपके आ जाते हैं वहां पर सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैटर करती है ठीक है तो ये कुछ चीज़ें थी और कभी भी जब आप प्री के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ प्री के लिए मत प्रिपेयर करिए वी नीड टू वर्क फॉर मेन्स टू साइड बाई साइड एंड आपको करंट अफेयर्स वगैरह भी डेली पढ़ना है इस वीडियो में हम क्वांट के बारे में बात करेंगे सो तो प्री के लिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब आपको मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्टिंग में ही ले लेना है ऐसा नहीं कि मैं जब पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर लूंगा एक दो महीने बाद तब मैं मॉक्स लगाना स्टार्ट करूँगा नहीं अभी से मतलब मुझसे कोई पूछेगा ना कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो मैं उसे फर्स्ट चीज़ बोलूंगी कि आप मॉक्स लेकर प्रपरेशन स्टार्ट करें एटलीस्ट जो फ्री मॉक्स अवेलेबल है उसे तो आप एक बार लगाकर देखें कि मेरा जो है प्रिपरेशन किस लेवल का है मैं आज के डेट पर जीरो के लेवल पे किस लेवल पे हूँ ठीक है तो मैंने आपको सारे के सारे फ्री मॉक्स जितने भी अवेलेबल हैं ना हमारे पास वो सारे के सारे फ्री मॉक्स का लिंक्स दिया हुआ है आप लाइन बाय लाइन सारे को अटेम्प्ट करिए और अपने आप को देखिए कि आप किस लेवल पर हैं उसके बाद आप परचेज़ करिएगा मॉक्स ठीक है तो सारे फ्री मॉक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है जाकर उसे एक बार लॉग uh, इन करके और उसके बाद आप मॉक टेस्ट को लगाकर देखिए डेली एक एक लगाकर देखिए अभी कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है आप कौन से सेक्शन में लैक कर रहे हैं और कौन से सेक्शन में आपको वर्क करना है टारगेट्स बनाकर प्रिपरेशन करिए ऐसे नहीं कि आप हवा में प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने डेली के टारगेट्स बनाइए और उसके सामने ऐसे टिक 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 मार्क लगाइए कुछ आपको दिखेगा कि आज आपने वो नहीं किया है नेक्स्ट डे आप उसी से स्टार्ट करिएगा ठीक है तो आप डेली के टारगेट्स बना के आवर्स बेस्ड टारगेट्स बनाकर स्टार्ट करिए और क्वांट के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताया है अपने बेसिक्स बिल्ड करने के लिए कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ करियर डिफाइनर ये चैनल है वहाँ पर कौशिक सर पढ़ाते हैं यहाँ पर आपका सारा का सारा बेसिक्स चैप्टर्स जो है ना चैप्टर वाइज आपकी प्रिपेर हो जाएगी आप सिर्फ सिलेबस गूगल से निकालिए कि मुझे ये ये पढ़ना है और लाइन से उन चैप्टर्स को इनके चैनल पर सर्च करते जाइए और लाइन से अपनी प्रिपरेशन करते जाइए यू कैन गेट बेस्ड ऑन एवरी सिंगल चैप्टर ठीक है तो बेस्ट जो यूट्यूब चैनल है मैंने आपको बता दिया करियर डिफाइनर उसके बाद आपको क्वांट में कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा और उसके लिए आपको डेली के डेली स्पीडी मैथ्स को रिवाइज करना है तो सबसे पहले तो आप उसे लर्न करिए क्या लर्न करना है टेबल्स अप टू ट्वेंटी स्क्वायर्स अप टू थर्टी सब आप नोट डाउन करते जाइए ठीक है क्यूब्स अप टू फिफ्टीन ट्वेंटी स्क्वायर्स स्क्वायर रूट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स क्यूब्स क्यूब रूट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स आपको सब कुछ यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आपको सब कुछ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है मल्टीप्लेशन की मल्टीप्लिकेशन की अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं और कुछ भी ऐसी चीज़ें और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो कन्वर्शंस होते हैं आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए मैंने जब शॉर्ट नोट्स की अपनी एक वीडियो लेकर आई थी जहाँ पर मैंने अपने रियल शॉर्ट नोट्स दिखाए थे तो वहाँ पर उस दिन मैंने अपना फ्रैक्शन टू परसेंटेज का जो कन्वर्शन था वो भी वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था आप लोग मांगे थे इसलिए तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जॉइन कर लीजिए और अगर फिर से चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आज मैं फिर से शेयर कर दूंगी तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आपको डेली की डेली रिवाइज करनी है जो मैंने स्पीडी मैथ्स की बात की ना वो आपने प्रिपेयर कर लीजिए लिया समझ लीजिए कम से कम फाइव टू तो सिक्स सिक्स शीट्स आपके प्रिपेयर हो गए और आपको इसको अपना जो डे का स्टार्टिंग है उससे पहले एक बार डेली रिवाइज करना है तभी आपके अंदर वो फ्लो आ पाएगा ठीक है उसके बाद जो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज रूल्स एक्स एक्सेट्रा होते हैं जैसे समझ लीजिए आप चैप्टर बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बीच में कुछ फार्मूला आया या कुछ रूल लगता है कहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको बार बार समझने में दिक्कत होती है उसको आप एक पेपर पर पे लिख लीजिए ठीक है एक प्रकार से ये आपका शॉर्ट नोट्स है जो कि रिविजन के टाइम पे दैट मीन्स आपके एग्जाम से एक रात पहले आपको बहुत काम आएगा ठीक है और मल्टीपल रिविजन ऐसे वीक वीक में भी करते रहना है ठीक है ये हो गया उसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं किसके सिम्पलीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न करने हैं तीन चार दिन के अंदर और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है अगर आपका ऑलरेडी ये सब क्लियर है बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसको ये आप याद रखिए कि आपको टारगेट बेस्ड इसकी डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है जैसे कि आ, बीस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बीस क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के और उसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप पांच क्वेश्चन को दो मिनट में कर ले रहे हैं ये आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए ठीक है क्वांट में आपको थर्टी में से ट्वेंटी सेवन मार्क्स हमेशा से सोच के रखना है कि मुझे ट्वेंटी सेवन मार्क्स से ज़्यादा का एम हमेशा आपको रखना जिसमें हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव पे नेगेटिव मार्किंग करते जा रहे हैं ठीक है ये हो गई दूसरी चीजें नंबर सीरीज का कुछ पैटर्न अगर बनता है आपको समझ लीजिए नंबर सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं ठीक उसमें आपको कहीं पर कुछ लगा कि अरे ये पैटर्न भी हो सकता है क्या ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था मतलब समझ लीजिए सॉल्यूशन आपने देखा और आपको दिखा कि ये पैटर्न भी हो सकता है तो आप जल्दी से उस पैटर्न को अपने शॉर्ट नोट्स में मेंटेन कर लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हो गया अगर एग्जाम में भी वैसा पैटर्न आ गया तब तो आपको दिमाग जाना चाहिए एग्जाम से पहले आप जब अपने शॉर्ट नोट्स को देखेंगे तो कि ऐसा भी पैटर्न आ सकता है कुछ भी डिफरेंट लगे प्रिपरेशन के दौरान तो उसे आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लिया करिए ताकि रिविजन के टाइम आप उसे एक नज़र देख सकें रॉन्ग नंबर सीरीज़ को प्रैक्टिस करिए

ट्रेंड्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है बेसिक से समझिए सब चीज़ों को ठीक है करियर डिफाइनर चैनल में बहुत अच्छे से सर ने समझाया है मैंने उन्हीं से पढ़ा था पूरा अरेथमेटिक मैंने उन्हीं से कवर किया है आज के डेट पर शायद उनके उतने वीडियोज़ नहीं आएंगे बट पहले के मिलियंस ऑफ वीडियोस है ना मिलियंस नहीं है बट फिर भी मैं ऐसे थोड़ा बोल रही हूँ कि पहले के बहुत सारे वीडियोस हैं आप जाकर उन्हें देख सकते हैं लाइन से सब कुछ डरा हुआ है आप एक बार जाकर देखिए चैनल पे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला किसी के चैनल को प्रमोट करके है ना लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना मैंने उनसे ही पढ़ा हुआ इवन आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको अपने कमेंट्स दिखा सकती हूँ उनके चैनल पे जब एक साल पहले दो साल पहले के मेरे प्रिपरेशन टाइम के क्योंकि मैंने उनसे ही पढ़ाया पूरा और मुझे एकदम बेस्ट लगे वो ठीक है मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया हुआ था जब मैं पढ़ती थी उस समय तो तो आप जाकर उनके चैनल से पूरा क्लियर कर सकते हैं ठीक ये पूरी बातें हमने किसके लिए की हैं प्री के लिए कर रहे हैं हम ठीक है अभी मेंस के बारे में बात करेंगे उसके बाद एक चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि अगर आप बिगिनर हैं तो अड्डा टू फोर सेवन के फ़ाउंडेशन कोर्सेज़ आप देख सकते हैं डाउनलोड करके रख लीजिए और लाइन से देखते जाइए और फाउंडेशन कोर्सेज से मेरा मतलब है जो फ्री यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं ना यूट्यूब पर फ्री वीडियोज़ डले हुए हैं जैसे समझ लीजिए आप आने वाले आई बी पी एस पी ओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने आई बी पी एस पी ओ के लिए लास्ट ईयर एक ना एक प्लेलिस्ट उनकी आपको मिल जाएगी चैनल पे आप सर्च करके देखिए एक ना एक प्लेलिस्ट जिस पे थर्टी टू फोर्टी वीडियोस हो रहे होंगे उस सीजन के ठीक है इस तरीके से आपको क्लेरिकल पीओ सारे एग्जाम्स के लिए अलग 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 मिल जाएगी आप किसी भी एक को पकड़ के क्योंकि पढ़ाया वही जाता है ठीक है कुछ डिफरेंस नहीं होता पढ़ाया वही जाता है किसी भी पी लेवल वाले को पकड़ के आप देखना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको वो सही लगे तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत है ना मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं आप देख लीजिए आपको कहाँ से सही लगता है और कहाँ से आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे ठीक है अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो बुक्स अवेलेबल हैं फर्स्ट है सर्वेश वर्मा अगर आप सर्वेश वर्मा के साथ कंफर्टेबल हैं तो उसे ही कंटिन्यू करिए लेकिन मैंने एक बेस्ट बुक आपको ऑलरेडी पहले भी रिव्यू किया हुआ है वो है टेस्ट बुक का स्मार्ट बुक जो है ठीक है टेस्ट बुक का और एस चांद का एक साथ कोलैबोरेशन है और उसका नाम है स्मार्ट बुक इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है अगर आप नहीं देखा है तो मैं अभी लिंक डाल दूंगी उसको आप देख लीजिएगा बेस्ट एवर बुक है मुझे बेस्ट लगती है एंड क्योंकि और उसमें क्या स्मार्ट फीचर्स हैं वो मैंने वहां पर रिव्यू में बताया हुआ है तो अगर आपको क्वांट के लिए एक बेस्ट एवर बुक चाहिए तो उसका रिव्यू मैंने चैनल पर डाला हुआ है लिंक मैं दे दूंगी उसको आप देखिएगा यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी कि उसके क्या फीचर्स हैं स्पेशल लेकिन आप जब उस बुक रिव्यू की वीडियो को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि बेस्ट बुक है अगर हम बात करते हैं डीआई की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट uh, है बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो करियर डिफाइनर चैनल अगेन और आपकी स्टडी नीति चैनल स्मृति मैम पढ़ाती हैं ये दोनों चैनल बेस्ट हैं आप यहाँ से प्रैक्टिस करते जाइए प्री लेवल डी एंड ऑल्सो मेन्स लेवल डी आप ये याद रखिए कि आप कभी भी जब पाँच प्री लेवल डीआई कर रहे होंगे तो साथ में एक मेंस लेवल का जरूर करिए अभी से ही स्टार्टिंग से ही ठीक है ये सारी चीज़ें हैं मॉक टेस्ट वगैरह अगर आपके पास एक्स्ट्रा में है तो उसे सबमिट करके भी आपको डीआई का कंटेंट मिल सकता है अगर सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो और अगर आपके पास ऐप्स वगैरह हैं बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड तो क्विजस वगैरह भी वहाँ पर फ्रीली आपको मिल जाएंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है आप जो परसेंटेज एवरेज प्रपोर्शन और एलिगेशन परसेंटेज एवरेज रेशियो प्रपोर्शन एंड एलिगेशन ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि ये आपके मेंस में भी हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे डीआई में स्पेशली ठीक है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम प्री में तो पढ़ते हैं लेकिन मेंस में इससे रिलेटेड जो है डीआई आ जाती है आपको कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जो प्रोबेबिलिटी मैंसूरेशन वगैरह ये सब छोड़ने की बात करते हैं ना ये सब छोड़ना नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार मेन्स में डी आ जाती है ठीक है तो ये सब हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी नहीं छोड़ना है अभी आपके पास टाइम है अच्छे से पढ़िए ठीक है जब आपको कोई टॉपिक कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और चैनल का नाम बता रही हूँ मेरिट शाइन आप अपने पास ना लिख कर रख लीजिए बाद में जब आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो एक बार जिस पेपर में आप ये सब लिख रहे हैं ना उसे एक बार देख लीजिएगा मेरिट शाइन एंड इन्फिनाइट सिमिल ये एक चैनल है ये दोनों चैनल इसमें चैप्टर बेस्ड प्ले अवेलेबल है इफ़ यू वॉन्ट क्लैरिटी ऑन अ पर्टिकुलर चैप्टर टू यू कैन रेफर टू दैट ठीक है यू नीड टू गिव मैक्स मिनिमम थ्री टू फोर आवर्स टू क्वांट डेली और uh, आपको प्लस मार्क्स का एम रखना है हमेशा रिवाइज करते रहना स्क्वायर क्यूब्स स्ट्रिक्स ये सारी चीजें डेली और जब मॉक टेस्ट आप देते हैं मॉक टेस्ट आपको देने हैं ठीक है मॉक टेस्ट डेली के डेली अभी से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एक मॉक टेस्ट डेली आपको देना है ठीक है तो अभी तो स्टार्टिंग में मैंने जो फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं पूरे वो सारे आप लगाइए फिर आप अच्छे से एक प्रिपरेशन जब आपकी बिल्ड जाएगी तब आप मॉक्स जो है परचेज़ कर सकते हैं ठीक है तो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उस पर भी आपको वर्क करना है और ये चीज़ याद रखिए कि सिर्फ फ्री की तैयारी नहीं करनी है साथ साथ में हमें मेन्स भी देखना है तो मेन्स की प्रिपरेशन अभी आप इस तरीके से करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन कोई डीआई या कोई भी टॉपिक अगर आप पांच क्वेश्चन प्री लेवल कर रहे हैं तो एक मेंस का जरूर करिएगा ठीक है मेंस के लिए एक दो घंटे अभी जरूर निकालिएगा इन टोटल टेलिंग कि रीजनिंग क्वांट सब के लिए दो घंटे मिनिमम आप मेंस के लिए जरूर निकालिएगा अभी से सब कुछ इंक्लूड करते हुए और करेंट अफेयर्स तो एक अलग ही चीज़ है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली डेली मॉर्निंग में आपका करंट अफेयर्स का अगर आप एक बैंकिंग अस्पायरेंट हैं तो ये एकदम श्योर है आपके लिए कि ऑब्वियस uh, है आपके लिए कि आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना ही है अफेयर्स क्लाउड इज द बेस्ट एवर सोर्स आपके करंट अफेयर्स के लिए और अफेयर्स क्लाउड से कैसे पढ़ना है सब कुछ कैसे करना है यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पे बताया हुआ है आप सर्च कर लीजिएगा आपने अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एस आर टेन ये कोड अप्लाई ज़रूर करिएगा दिएगा टेन परसेंट इंस्टेंटली आपको ऑफ मिल जाएगा तो ये करेंट अफेयर्स की बात हो गई जो कि हमें डेली करना ही करना है छोड़ना नहीं है ठीक है अब हम बात करते हैं मेन्स लेवल क्वांट की कि हम मेन्स लेवल क्वांट कैसे प्रिपेयर करेंगे मेन्स लेवल क्वांट हम प्रिपेयर करते हैं अगर हम बुक्स की बात करें तो अगेन आई वुड जस्ट रिपीट कि जो स्मार्ट बुक है टेस्ट बुक का वो बेस्ट ऑप्शन है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ मैंने उसे रिव्यू किया है एंड uh, um, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो बुक हिंदी में भी अवेलेबल हो गई है अब पहले आप लोगों ने कंप्लेन किया था कि हिंदी में नहीं है तो मैं जल्दी उसका भी रिव्यू करूँगी हिंदी में भी अवेलेबल हो गई है वहाँ पर वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल ऐसे लेवल वाइज हैं क्वेश्चन बेस्ट एवर बुक है उसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ आप देख लीजिएगा एक बार ठीक है उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ स्मृति मैम का जो चैनल है और करियर डिफाइनर का कर जो चैनल है उस पर मेन्स लेवल आपको डी मिल जाएगी मेन्स लेवल क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ये दोनों चैनल से आप जरूर पढ़िएगा अभी जब आप मेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी आपने स्मृति मैडम का चैनल देख लिया कभी करियर डिफाइनर देख लिया ठीक है कोई भी अगर आप परचेस कर रहे हैं मेन्स लेवल के मॉक टेस्ट बहुत सारे आपको मिल गए पर मैंने आपको बताया है ना उतना मेन्स के टाइम पर मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट बार 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 देना मैं रिकमेंड नहीं करूंगी उससे बेटर ये है कि आप सबमिट करके उसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करिए है ना आपको रिसोर्स वहाँ से भी मिल जाएगा तो ये करिए और मेंस के मौके से आप अभी से मत दीजिए अगर चाहिए भी तो एक महीने में एक बार इस तरीके से आप दे सकते हैं इफ़ यू आर बिगनर बट प्रैक्टिस करिएगा रेगुलर मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है अभी से मेंस का एक महीने में एक दे सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस आपको रेगुलर जारी रखनी है अभी से ही मेंस के लिए भी तभी आपका हो पाएगा सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं आपको इससे एडिशनल अगर कोई भी डाउट होगा तो सब आप मुझसे पूछ लीजिएगा ये हमने स्टार्ट की है सीरीज पहले हमने क्वांट को डिस्कस किया है आगे हम इसी तरीके से इंग्लिश को रीजनिंग को सब चीजों को कवर करेंगे आई होप आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा जो चीजें आप फॉलो कर रहे हैं उसे करते रहिए जो आप नहीं कर रहे हैं उसे करना स्टार्ट कर दीजिए याद रखिए इट इज ओनली यू हु कैन चेंज द सिचुएशन जो चल रहे हैं ना आपके साथ उसको आप ही चेंज कर सकते हैं ये आप अपने अंदर ले आइए कोई और नहीं करने वाला आपके लिए ठीक है कोई और नहीं कोई भी और नहीं सिर्फ आपको करना है और आप ही को करना है सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे और बिल्कुल एक फुल जोश फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट कर दीजिए कोई भी डाउट हो नीचे पूछ लीजिए सो दैट इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स मॉक टेस्ट वगैरह बिल्कुल जरूरी है बिल्कुल आज से ही लगाना स्टार्ट करिए फ्री मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किया है लाइन बाय लाइन एक एक भले क्लैरिकल का है भले पीओ का है बट लाइन बाय लाइन आप एक एक दिन एक एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए ठीक है लॉग इन पहले कर लीजिएगा उसके बाद लगाइएगा सो दैट इज ऑल माई डियर फ्रेंड्स दिस इज साबिया हियर साइनिंग ऑफ यू एंड वन नेक्स्ट सेशन टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग